नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन में। मित्रों, दो लोगों के बीच, दो लोगों के मध्य संबंध अगर खराब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, मनमुटाव है, दरार पड़ गई है किसी संबंध में, किसी और व्यक्ति की वजह से भी, कोई आपके अपने को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, कोई अनजान व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति, या आपका प्यार आपसे नाराज है, रूठ गया है, बात इस हद तक चली गई है कि वो आपसे बात तक नहीं कर रहा। पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, कोई साथी हो, कोई मित्र हो, एक ऐसा उपाय मित्रों आज हम आपको बताएंगे जो जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली है। मिट्टी के दीपक पर होने वाला ये उपाय है। आपने सिर्फ मिट्टी का दीपक लेना है, इसे जलाना भी नहीं है, और बताए गए तरीके से इस उपाय को कर लेना है। बड़ा सरल सा उपाय है, बड़ी सरल सी विधि है। किसी भी स्थान पर एकांत में बैठकर आप इसे कर सकते हैं। सच्चे मन से करें, पूरे विश्वास पूरे यकीन के साथ उपाय को करें, अपनी आस्था बनाए रखें। आपका ये कार्य अवश्य पूरा होगा और आपका अपना न केवल आपके पास आएगा बल्कि आपसे अपने सभी गिले शिकवे दूर करेगा, मनमुटाव दूर करेगा और सिर्फ आपको चाहेगा सारी उम्र। तो मित्रों, आइए जानते हैं किस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। इस उपाय को कर आप कभी भी सकते हैं, किसी भी दिन और किसी भी समय। उपाय को शुरू करने से पहले स्नान कर लें, नहीं कर सकते किसी कारणवश तो अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से एक बार अवश्य धो लें। उसके बाद आपने एक स्थान पर एक आसन, कपड़ा कुछ भी बिछा लेना है, ना हो कोई लकड़ी की चौक उस पर बैठ जाएं, पालती लगाकर बैठें ना बैठें कोई पर परेशानी की बात नहीं है, सोचना नहीं है इस बारे में, जैसे आप आसानी से बैठ सकते हैं बैठ जाएं। अपने साथ आपने एक मिट्टी का जो दिया होता है वो ले लेना है, छोटा बड़ा कैसा भी दीपक हो सकता है, जैसा आपके पास हो आप ले सकते हो वैसा ले लें। आपने इस दीपक पर काले रंग के स्केच पेन, मार्कर पेन कुछ इस तरह का हो जिससे आप लिख सकें, उस पर आपने इस पर उस व्यक्ति का जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसे आप चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, अपनी नाराज़गी दूर करना चाहते हैं, उसका नाम लिख देना है और नीचे शब्द लिखना है त्रिच। वीडियो में दिखाया गया है इस प्रकार से आप दीपक में किसी भी तरफ बाहर की तरफ लिख सकते हैं। इस दीपक में अंदर एक चावल का दाना रखते हैं। उपाय के लिए जब बैठें, बैठने के बाद आपने ये सब कुछ करना है। पहले सामग्री रखेंगे, दीपक जो लेंगे वो रखेंगे, एक चावल का दाना रखेंगे और लिखने वाली वस्तु। अब आपने ये जैसा बताया जा रहा है वैसा कर लेना है। इतना करने के बाद आपने ये दीपक अपने हाथ में लेना है, अपने उल्टे हाथ पर, और सीधे हाथ से इसे ऊपर से ढक लें। लिखा हुआ जो आपने नाम लिखा है और त्रिच लिखा है वो आपकी तरफ रहेगा, और इसके बाद आपने आंखें बंद करके उस व्यक्ति को स्मरण करना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। उसे ठीक प्रकार से सोच लें, विचार लें। जब वो आपके अंतर्मन में, आपके मन में, आपके ध्यान में आ जाए, तब आपने ये शक्तिशाली मंत्र उच्चारित कर लेना है। ओम त्रिच हूँ अक्र अमुक वश्य वश्य। अमुक के स्थान पर आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है, जो वह व्यक्ति है उसका नाम लेना है और साथ में अपना नाम लेना है। ये मंत्र आप 5 बार बोलेंगे, बड़े ध्यानपूर्वक बोलें। आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आप सिर्फ उस व्यक्ति को सोच सकते हैं जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, अन्य कोई बीच में ना आए। अब मंत्र को उच्चारित करने के बाद आपने अपना सीधा हाथ हटा लेना है। इस दीपक को आप अपने पास घर में संभाल लें, आज ये आपके पास ही रहेगा। किसी भी साफ स्थान पर रख लें, गुप्त रूप से रखें, छुपाकर अपने पास अपने कमरे में रख लें, अलमारी में रख लें, मेज में रख लें, कहीं भी रख सकते हैं। अगले दिन आपने इस दीपक में से ये जो चावल का दाना है ये निकाल कर किसी पौधे के नीचे रख देना है। हरा पौधा हो इस बात का विशेष ध्यान रखें, घर के आंगन में भी है कोई परेशानी की बात नहीं है, वहाँ भी रख सकते हैं, ना हो किसी पेड़ के नीचे रखते हैं। जो दीपक है उसे आपने बाहर जाकर घर किसी भी दिशा की तरफ आप जा सकते हैं, इसको तोड़ दें। आप चाहे तो घर की छत पर भी इसे तोड़ सकते हैं। ये आपने काम किया और वो व्यक्ति जो अभी आपसे दूर है
आपके वशीभूत हो जाएगा और आ जाएगा आपके पास वापस। तो ये शक्तिशाली उपाय मित्रों आप कर सकते हैं अपने किसी भी प्रिय को वापस पाने के लिए। अध्याज्ञा, यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक इस उपाय को शेयर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।